हैं 100 झूठ एक सच पर भारी होता है, लेकिन कभी कभी 100 सच को नकार कर सिर्फ एक झूठ पर लोग यकीन कर लेते हैं। और इसलिए सच और झूठ का फर्क बताने के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं हर वायरल का पड़ताल करने वाला शो वायरल एक्सरे। इन दिनों सोशल साइट पर रेलवे से जुड़ी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें फासले मिटाने वाली रेलवे को रिश्तों को मजबूत बनाने वाली रेलवे का नाम दिया जा रहा है। स्टेशनों के नाम रिश्तों के नाम पर रखे गए हैं। इस तस्वीर में एक परिवार के रिश्तों पर हर रंग आपको नजर आएगा। देखिए पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। बीवी से लेकर साली तक, बाप से लेकर ससुर तक, रिश्तों को छोड़ती रेल का वायरल एक्सरे। फासले मिटाने वाली रेलवे, अपनों को करीब लाने वाली रेलवे, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा और भाषियों को जोड़ने वाली रेलवे। और इसी रेलवे को लेकर इन दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग इसे रिश्तों को जोड़ने वाली रेलवे का नाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और आपको रेलवे पर फख्र भी महसूस होगा। इन तस्वीरों में हर रंग के रिश्ते हैं, रिश्तों का हर एहसास है। कहते हैं तस्वीरें भी बोलती हैं। ये 6 तस्वीरें रिश्तों को जोड़ने वाली रेल की भाषा बोल रही हैं और बता रही हैं कि रेलवे ने ना सिर्फ लोगों को करीब लाया, बल्कि इतना करीब कि रिश्तों को कभी ना भुला पाने वाली एक मील का पत्थर रख दिया। भारत की रेल महान है, प्रगति की पहचान है, भारत की ये शान है, देश की ये जान है। इंडियन रेलवे, वी लव इंडियन रेलवे। वायरल एक्सरे में आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की। रेल आमतौर पर दूरियां कम करती थी, जगहों को जोड़ती थी, लेकिन अब रिश्ते जोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, भारतीय रेल के स्टेशनों के नाम कुछ इस कदर रखे गए हैं जो दूरियों के साथ साथ रिश्तों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की वायरल तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें नायाब रिश्ते नजर आते हैं। बीवी से लेकर साली तक, ससुर से लेकर बाप तक, गुड़िया नाना है ना हैरानी में डालने वाले नाम। लेकिन इन तस्वीरों को शेयर करके इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के रेलवे स्टेशन का नाम बताया जा रहा है। हमने वायरल हो रही इन तस्वीरों की पड़ताल शुरू की और इसके लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जिससे हम ये जान सके क्या इन स्टेशनों के नाम सही हैं, क्या देश में ऐसे भी रेलवे स्टेशन हैं, क्या इन स्टेशनों से होकर ट्रेनें गुजरती हैं, या किसी ने इन बनावटी तस्वीरों को शेयर कर दी। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की आज हम करेंगे बात। इसका दावा है, इसकी हर छुक छुक का दावा है कि वो देश के हर हिस्से को जोड़ती है, लेकिन साथ ही दावा ये भी है कि अब वो रिश्तों के जरिए देश को जोड़ने का काम कर रही है। अब चाहे वो बीबी नगर रेलवे स्टेशन हो, बाप रेलवे स्टेशन हो, साली रेलवे स्टेशन हो, या फिर चाचा रेलवे स्टेशन हो, क्या वाकई इस तरह के नामों के रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करते हैं, यही जानने की कोशिश है आज हमारी। शुरुआत करते हैं बीबी नगर रेलवे स्टेशन से। तो आज गूगल में पहले टाइप करके देखते हैं बीबी नगर स्टेशन और फिर जानने की कोशिश, क्या वाकई इस तरह का कोई रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फिर ये इंडियन रेलवे की साइट है, इस पे हम खोलते हैं तो अरे इसमें पाते हैं हम बीबी नगर रेलवे स्टेशन भी है। आप देखेंगे तेलंगाना स्टेट के यादारी या फिर भुवन नगरी डिस्ट्रिक्ट है ये। अगर समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई की बात करें तो 447 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से। साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन का डिवीजन है सिकंदराबाद और रेगुलर स्टेशन है ये। 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन में और नंबर ऑफ हार्टिंग ट्रेन्स हैं। यहां रुकने वाली जो ट्रेन है वो 23 इसकी संख्या बता रहा है। तो बीबी नगर रेलवे स्टेशन, हमने देखा कि बीबी नगर रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे की साइट पर एग्जिस्ट करता है और उसके बाद अब बात करते हैं अगले रेलवे स्टेशन की। और चलिए
इन्हीं रिश्तों के नाम पर पड़े रेलवे स्टेशन को थोड़ा और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं बाप रेलवे स्टेशन की। तो फिर देखते हैं कि बाप रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ये बाप रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता है, यानी इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर इस स्टेशन को हम पाते हैं, इस नाम का स्टेशन हम पाते हैं। आप देख पाए तो महाराष्ट्र स्टेट है जिसका श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन है ये, जिसको बेलापुर में पाया जाता है और इसका नाम है असल में बाप रेलवे स्टेशन। और इसकी डिटेल्स में अगर हम जाएं तो फिर आप पाएंगे ये भी एक रेगुलर स्टेशन है। यहाँ दो प्लेटफॉर्म्स हैं, हार्टिंग स्टेशन हार्टिंग ट्रेन्स हैं यहाँ पे 48, यानी यहाँ जो ट्रेन रुकती है उनकी संख्या 48 है। समुद्र तल से ऊंचाई आप देख पाएंगे 539 मीटर इसकी ऊंचाई है और डिविजन इसका सोलापुर दिखा रहा है सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। तो ये है बाप रेलवे स्टेशन या फिर इसको बेलापुर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यानी अब तक दो स्टेशन हम वाकई देख पाए हैं जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हैं, पहला बीबी नगर रेलवे स्टेशन और दूसरा बाप। चलिए अपनी पड़ताल को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और समझते हैं कि रिश्तों के नाम पर पड़े इन रेलवे स्टेशन की हकीकत क्या है। बाप के बाद यानी अब चाचा जी की बात करते हैं, तो चाचा रेलवे स्टेशन है कि नहीं देखते हैं। और हम देखते हैं कंप्यूटर पे तो चाचा रेलवे स्टेशन भी हमको दिखता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जोधपुर में ये रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे स्टेशन का ये हिस्सा है। और अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 224 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये भी एक रेगुलर स्टेशन है, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और यहाँ रुकने वाली ट्रेनों की संख्या 2 है। आप देख पा रहे हैं कि ये रेटिंग चार्ट भी असल में दिया हुआ है, इस स्टेशन को किस तरीके से मार्क किया गया है इस साइट पर। तो एक एक करके हम हर स्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब रिश्तों का एक्सटेंशन करते हैं, थोड़ा ससुराल पक्ष की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं साली रेलवे स्टेशन के बारे में। क्या वाकई साली नाम से कोई रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ भी हमको साली रेलवे स्टेशन मिलता है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं राजस्थान स्टेट में एक जगह है जहाँ साली रेलवे स्टेशन है। इसका डिवीजन असल में जयपुर है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ये पड़ता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम इसके मिजाज को समझने की कोशिश करें तो टाइप ऑफ स्टेशन ये भी रेगुलर है, यानी रेगुलर स्टेशन की फेहरिस्त ये भी शुमार होता है। दो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं, रुकने वाली ट्रेन यहाँ पर भी 2 हैं। और चलिए साली के बाद अब बात करते हैं ससुर की, यानी कि ससुरा रेलवे स्टेशन जो दिखाया जा रहा है तस्वीरों के माध्यम से, क्या वाकई ये रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं ससुरा रेलवे स्टेशन और ससुरा रेलवे स्टेशन को ढूंढने की कोशिश अगर हम करते हैं तो फिर एक हमें ससुरा रेलवे स्टेशन तो नजर नहीं आता, लेकिन हाँ एक ससुरा विलेज जरूर है। अब इस ससुरा विलेज के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें मिलती है कि महाराष्ट्र स्टेट में है और औरंगाबाद इसका डिवीजन यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा हमें कोई जानकारी और नहीं मिलती है। थोड़ी सी कोशिश और करके अगर हम देखें तो एक ससुरा काजी करके हमें एक और लिंक मिलता है यहाँ पे, तो ये भी हमें एक गांव के तौर पे दिखाई देता है जो दिखाता है कि ये तालुक ऑफ काजी डिस्ट्रिक्ट बीड में नजर आता है, महाराष्ट्र में ही। और इसकी डिटेल अगर पढ़े हम अबाउट ससुरा तो ससुरा एक गाँव है, यह दिखाई देता है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, ये मराठवा रीजन में बिलोंग करता है, 32 किलोमीटर साउथ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीड, 22 किलोमीटर फ्रॉम काजी, ये हम देख पाते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरह के कोई स्टेशन का जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे नाम बताए गए थे उसमें कम से कम जो ससुरा रेलवे स्टेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एक गाँव के तौर पर ससुरा गाँव हम साइट पर जरूर खंगाल पाते हैं। और हमारी पड़ताल की फेरिस्त में अगला स्टेशन का नाम जुड़ता है, वो है गुड़िया रेलवे स्टेशन। चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन प्रासंगिक है इंडियन रेलवे वेबसाइट में या फिर नहीं। तो हम देखते हैं तो गुड़िया रेलवे स्टेशन यहाँ पे खुल जाता है। आप देख रहे हैं पूरी डिटेल इसकी यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये अजमेर डिवीजन में है, स्टेट इसका राजस्थान है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा पा रहे हैं कि ये भी एक रेगुलर टाइप ऑफ स्टेशन है जो यहाँ पे दिखाई देता है। नंबर ऑफ हाल्टिंग ट्रेन यहाँ पे है जो वो 4 है, यानी कि 4 ट्रेनें यहाँ पे रुकती है। तो अजमेर डिवीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का और यहाँ पर गुड़िया रेलवे स्टेशन
करके हम एक स्टेशन देख पा रहे हैं और समुद्र तल से ऊंचाई 325 मीटर यहाँ पे दिखाई देती है। तो यानी इंडियन रेलवे वेबसाइट में गुड़िया रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। तो ये चंद नाम थे जो वायरल एक्सरे की टीम के पास पहुंचे और हमने इनका एक्सरे करने की आज कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि इंडियन रेलवे वेबसाइट में इस तरह के नामों के कोई स्टेशन है या नहीं। हमने पड़ताल के दौरान पाया कि इन 6 तस्वीरों में से 5 तस्वीरें बिल्कुल सही हैं, जबकि एक तस्वीर जिसमें किसी रेलवे स्टेशन का नाम ससुरा बताया गया है वो गलत है। किसी ने इस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की थी और स्टेशन के नाम को एडिट कर इसे ससुरा बनाया गया था। चूंकि हमारी पड़ताल में एक को छोड़कर बाकी की 5 तस्वीरें सही पाई गई, इसलिए हमने पाया कि ये वायरल तस्वीरें सच है। चाचा, गुड़िया, बीवी नगर, ससुरा, साली, नाना और बाप जैसे नाम भारतीय रेल के स्टेशनों के हैं। हालांकि वायरल एक्सरे में ये भी आया है कि ससुरा एक गांव का नाम तो है लेकिन वहां स्टेशन नहीं, लिहाजा लगभग वायरल एक्सरे सच है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्टेशन और जगह के नाम इतने ज्यादा हैं जो रिश्तों को भी जोड़ देते हैं और स्टेशन के नाम पर ही रेल पहुंच जाती है और रिश्ते भी करीब आ जाते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ राहुल डबा, समाचार प्लस के लिए। कुछ घंटे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला एक महिला को थप्पड़ मार रहा है और भीड़ वहां खड़ी होकर ये पूरा तमाशा देख रही है। क्या है इस वायरल वीडियो का पूरा सच, देखिए वायरल वीडियो की पड़ताल कर दी ये रिपोर्ट। एक महिला पर पुलिस वाले की मर्दानगी। महिला पर हाथ चलाता पुलिस वाला। भीड़ के बीच महिला पर झल्लाता पुलिस वाला। और खामोश खड़ी देखती भीड़। पुलिस का काम होता है हिफाजत करना, लेकिन ये क्या, एक पुलिस वाला सरेआम थप्पड़ मार रहा है, वो भी एक महिला को। एक महिला पर इस तरह से हाथ चलाते उस पुलिस वाले को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो इसके बाद भी तनकर जवाब दे रहा है। महिला ने जब पुलिस वाले का विरोध किया तो पुलिस वाला उल्टा उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है। लोगों की भीड़ में कोई भी पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बोल रहा, जबकि सब महिला को ही पकड़ रहे हैं। और तो और, वहां खड़े कुछ और पुलिस वाले थप्पड़ मारने वाले पुलिस कर्मी को बैरिकेडिंग कर दूसरी तरफ ले चले जाते हैं। चंद घंटों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखने वाले पुलिस कर्मी को कोई गुंडा बता रहा है तो कोई बेरहम पुलिस बता रहा है। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। ये वीडियो कहां का है? महिला को थप्पड़ मारने वाला पुलिस कर्मी कौन है? किस बात को लेकर वो महिला पर थप्पड़ चला रहा है? पुलिसकर्मी की यह कार्रवाई कितनी जायज है? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की तो यह हरिद्वार का पाया गया। 51 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से। एक महिला पुलिस वाले पर गुस्सा कर रही होती है, उसके दूसरी तरफ एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी किसी को समझाने में लगा हुआ है। पुलिसकर्मी फोन पर बात कर रहा होता है, वो गुस्से में आकर कुछ बोलता है और महिला को थप्पड़ रसीद कर देता है, जिसके बाद शोर मच जाती है। महिला उस पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत करने की बात कहती है। एक औरत पर पुलिस वाला हाथ उठाता है और दूसरे पुलिस वाले थप्पड़ मारने वाले को बचाने में जुट जाते हैं। कर रहे हो, कुछ भी नहीं है।
पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि महिला का नाम गुंजन है और वो दिल्ली की रहने वाली। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गुंजन हरिद्वार गंगा स्नान करने आई थी, वो भी पूरे परिवार के साथ दिल्ली नंबर की गाड़ी में सवार हो। तभी उसने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग एरिया में पार्क करने की कोशिश की। कोतवाली क्षेत्र के रोडी बेला वाला चौक में तैनात सिपाहियों ने पहले तो महिला को रोका, लेकिन महिला का परिवार नहीं माना। हमें ये भी पता चला कि महिला के बच्चे और परिवार वाले सिपाही के साथ लगातार बदतमीजी और धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस के एक दूसरे जवान ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाले पुलिस कर्मी का नाम जवाहर है और वो कोतवाली थाने में ही तैनात है। हम आनंदवन सवादी के पास पे खड़े हुए थे तो हमने देखा कि कुछ गाड़ी आई है डीएल नंबर की, वो रुकी है। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने उनको मना किया, जब वो नहीं माने तो उसके बाद देखा कि जो वहाँ से उसमें गाड़ी में से महिला उतरी तो पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की है, जो कि हम मानते कि बहुत गलत था, क्योंकि हमने देखा कि उनको धक्का मुक्की करी है, तो बहुत चीज़ें गलत थी। अब यही है कि हम तो यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई अभी हमें कुछ टाइम के लिए रुकना है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, हम पार्किंग में लगा देंगे गाड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने किसी की बात नहीं सुनी और सीधा महिला पे उन्होंने हाथ छोड़ दिया। सर, मैं यहाँ से देहरादून जा रहा था, देहरादून जाते हुए क्या कहते हैं, बीच में एक चंडी चौक पड़ता है, तो वहाँ पे आनंदवन समाधि आश्रम है और वहाँ पे दिल्ली से कुछ गाड़ियाँ आई हुई थी तो पार्क कर रहे थे, तो वहाँ पे जो पुलिसकर्मी सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उनको मना किया कि यहाँ पे पार्क ना करें, आप पार्किंग में जाके पार्क करें, तो इस बात पे थोड़ी कहा सुनी हो गई। और वो जो लेडीज थी दिल्ली से जो डीएल गाड़ी थी उसके जो निकली लेडीज है वो पुलिस के साथ बदतमीजी से बात करने लगी, इसलिए उनके दोनों में आपस में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की हुई के बाद फिर उन्होंने जो भी उन्होंने एक्शन लिया, पुलिस ने भी लिया और उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा काफी मामला हो गया था। लेकिन फिर भी एक पुलिसकर्मी का यह सलूक कहां तक जायज था? एक महिला पर वो भी सरेआम थप्पड़ मारता हुआ पुलिस वाला वीडियो में नजर आ रहा था। हमने इस संबंध में स्थानीय पुलिस अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन सीओ की नजर में पुलिस वाला गुनहगार नहीं था। सीओ अपने पुलिसकर्मी को बचाने में जुट गए, उन्होंने थप्पड़ मारने की बात से भी इनकार कर दिया, जबकि वीडियो में पुलिसकर्मी थप्पड़ मारता साफ दिख रहा था। एक्चुअली ये महिला जो थी ये दिल्ली से ही लोग आए थे, ठीक है ना, तो अनधिकृत रूप से जो आनंदवन समाधि की तरफ अंदर वो पार्किंग में ले जा रहे थे तो उनको मना किया गया। मना करने पे ये है कि वहाँ पर एक होमगार्ड का सिपाही था, उस सिपाही के साथ वो बदतमीजी करने लगे, तो हमारा सिपाही वहाँ पास पे मौजूद था, वो भी आया, तो उसमें महिला बैठी थी वो जरा बड़ी मतलब बहुत ही तीख भाषा में बात कर रही थी, तो उस सिपाही ने जो है उसको हल्का सा उसको हाथ पे उसके मतलब मारा यूँ करके, उसके बाद वो बाहर निकल के उसके दो बच्चों ने जो है सिपाही के साथ बदतमीजी की है, उसको थप्पड़ थप्पड़ भी मारे हैं। पुलिस ये है जो उन बच्चों का जो है वो उसमें मुकदमा दायर कर दिया है किसी महिला के खिलाफ। हाँ जी, लेकिन सर पुलिस ने थप्पड़ मारा इसके नहीं, नहीं पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा, पुलिस ने ऐसा हुआ कि देखिए एक आदमी सुबह से शाम तक ड्यूटी पे लगा हुआ है, निश्चित रूप से पुलिस को मारने का अधिकार तो कहीं भी नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी पे लगा और उसके साथ जब गाली गलौज या बदतमीजी की जाएगी तो थोड़ा सा उसने विरोध सा किया, वो मेरे संज्ञान में यही है। वीडियो बता रहा था कि पुलिस वाले ने महिला पर थप्पड़ चलाया, जबकि पुलिस के अधिकारी झूठ बोल रहे थे। पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल्ली से आई महिला नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना चाहती थी, उसके परिवार ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिस वाले ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस वाले का रवैया कहीं से जायज नहीं था, थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को अधिकारी भी बचा रहे थे। गलती महिला की भी थी, लेकिन पुलिस का व्यवहार शालीन होना चाहिए था, लिहाजा हमारी इस पड़ताल में वीडियो सच पाया गया।